हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास ये लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है HP ProBook 440G8। लेटेस्ट लैपटॉप है, IPS स्क्रीन लगती है। कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें, i5 10th जनरेशन है। एक से सवा साल डेढ़ साल मैक्सिमम मान सकते हैं, ये पुरानी मशीन है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो हम अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। मॉडल हमने बता दिया है 840G8 लैपटॉप है। प्रॉब्लम की यदि हम इसमें बात करें तो प्रॉब्लम इसकी क्या आ रही है कि हमारी स्क्रीन ब्रेक हो गई है। ब्रेक कैसे हुई है हम आपको वीडियो में बताते हैं कि लैपटॉप की जो आजकल स्क्रीन आ रही है बड़ी ही नाजुक है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे कई जगह आया तो कई जगह है ये लिक्विड डैमेज, पर जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है। यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, हेडफोन लगा के छोड़ दिए और मशीन को बंद कर दिया है। यहाँ पे बंद करके ये इनका प्रेशर पड़ा है और प्रेशर पड़ के ये हमारा आप देखोगे लिक्विड डैमेज हो गया है। पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। तो ये प्रॉब्लम थी इसकी, हमने आपको बताई है और अब इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी में प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया है, स्क्रीन ब्रेक हो रखी है। कैसे हुई है ये भी हमने बता दिया है। इससे बचने का क्या इलाज है, इससे बचने का एक इलाज है कि आप जो अपने लैपटॉप को यूज करें तो बहुत सावधानी पूर्वक यूज करें। देख लें कि कुछ पेन तो नहीं है, कुछ आपका रिमोट तो नहीं है, कोई हेडफोन वगैरह तो नहीं है। जैसे ही हम इसको रखते हैं और बंद कर देते हैं और लैपटॉप के स्क्रीन पे प्रेशर आके हमारी स्क्रीन खराब हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इंस्ट्रक्शन यूज करें कि आपको मशीन को पहले देखें सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। लैपटॉप जब हम कहीं किसी बैग वगैरह में रखते हैं तो ऐसे इस हिसाब से रखें कि लैपटॉप ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इस टाइप कोई प्रेशर ना पड़े लैपटॉप पे। तो इस प्रकार ये आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो हमारी स्क्रीन तभी खराब होती है जब कोई लैपटॉप पे प्रेशर पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। ProBook जो सीरीज है एक कमर्शियल सीरीज है, ये ऑफिस वगैरह में यूज होती है और बहुत फास्ट मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन होती है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये मशीन बड़ी अच्छी होती है। तो इस प्रकार ये मशीन आप देखोगे ओवरऑल मिला के, कुल सारी बात मिला के ये है कि मशीन बड़ी अच्छी होती है। यदि आपके पास ये है तो आप इसको रिपेयर करा सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो सूरज कंप्यूटर्स पे ये रिपेयर हो जाती है। तो हम चलते हैं इसकी स्क्रीन चेंज करते हैं। इसकी स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं हम आपको दिखाते हैं कि इसकी स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन चेंज करने के लिए हमारी इंटरनल बैटरी हटानी होती है। वैसे तो हम बाहर से भी कर सकते हैं स्क्रीन चेंज, पर ये नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी इंटरनल बैटरी जो होती है उसको हमें डिसेबल करना पड़ता है। उसके लिए हमें ये पूरा लैपटॉप खोलना है, तो उसी को खोल रहे हैं हम लैपटॉप को। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये अब हमने खोल दिया है, बड़ी मशक्कतों के बाद खुलता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। लॉक वगैरह हैवी होते हैं तो बड़े ध्यान से खोलना पड़ता है कि टूट ना जाए। तो ये आप देखोगे इसकी बैटरी हमें डिसेबल करनी पड़ेगी, कभी कभी मशीन ऑन हो जाती है। ये मशीनें आजकल क्या है, फ्लिप ऑन करते ही ना ये ऊपर नीचे करते ही मशीन ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार इनसे हमें और भी कुछ काम करने से पहले हमें बैटरी जरूर डिसेबल कर लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी मशीन ऑटोमेटिक इसमें अब सेंसर आने लगे हैं और मशीन ऑन हो जाती है। हमने मशीन बैटरी डिसेबल कर दिया, तो अब हम इसकी स्क्रीन खोलेंगे। स्क्रीन भी आप देखोगे बिल्कुल IPS होती है, बेजल लेस तो नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा सा बेजल अब आ गया है इनमें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते रहें। ये हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे जिससे आप खुद भी कर सकते हैं या आप हमारे पास भी आ सकते हैं कराने के लिए। सूरज कंप्यूटर दिल्ली NCR में सभी जगह पूरे दिल्ली NCR में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं।
स्क्रीन चेंज करने के लिए जो आजकल के मॉडल आ रहे हैं उसमें हमें पूरा ही लैपटॉप खोलना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कुछ टूटने गाड़ने का चांस रहता है कि भाई लॉक नहीं खुल पाते, ज़बरदस्ती करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो हम इसको पूरा ही डिटैच कर देते हैं, इसमें से स्क्रीन अलग कर लेते हैं। ये आप देखोगे अब हमने इसका स्क्रीन पूरा खोल लिया है, ये बाहर निकाल दिए हैं, बिल्कुल स्क्रीन का अलग कर दिए हैं, हमारा टॉप पैनल अलग हो गया है। तो अब इसमें हम स्क्रीन दूसरी लगाते हैं। स्क्रीन लगाते हुए हमेशा एक बात का ध्यान रख के बैटरी को अलग कर लें, बैटरी हटा लें, नहीं तो क्या होता है ना मदरबोर्ड पे शॉर्टिंग होने का चांस रहता है। क्योंकि केवल ऐसा तो नहीं है कि परफेक्ट एक बार ही लग जाएगी, थोड़ा हिल डुल जाती है, ऊपर नीचे होती है तो शॉर्टिंग हो जाती है। उसी शॉर्टिंग से बचने के लिए हमें बैटरी को हटा लेना चाहिए और स्क्रीन को अलग करके ही, जो इंटरनल स्क्रीन या इंटरनल जिसमें बैटरी होती है वो अलग करके ही लगाना चाहिए। तो हम अब इसमें स्क्रीन लगा रहे हैं, नई वाली स्क्रीन लगाते हैं, लेके आए हैं हम स्क्रीन। आप देखो ये नई स्क्रीन है, पुराने वाली ये नीचे रखी हुई है और नई वाली हम इसमें लगा रहे हैं।